किसानों के लिए तीनों अध्यादेश का बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास होने के बाद पूरे हरियाणा में इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं पर आज किसान यूनियन की ओर से बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने एवं इंद्री के बयाना अनाज मंडी के आड़तियों तथा मजदूरों ने करनाल गढ़ी बीरबल मार्ग को इंद्री हल्के के बयाना सब यार्ड अनाज मंडी के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया, जिससे पुलिस को पूरी ट्रैफिक दूसरी जगह से निकालना पड़ा। वहीं पर इस बिल का विरोध कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं पर उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो वह इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो भी खामियां हैं उसको तुरंत दूर किया जाए और किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार एक और किसान हितेशी होने का दावा करती है, वहीं पर किसानों की फसलें अनाज मंडी में बुरी तरह से पिट रही हैं, उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकारी धान की खरीद जल्दी से जल्दी शुरू की जाए ताकि किसानों को अधिक नुकसान ना उठाना पड़े। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी, आज जो किसानों द्वारा आज धरना प्रदर्शन, ये चक्का जाम की जो नीति है वो अपनाई गई है, क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार जो देख नहीं रही है, किसानों का धान आज खेतों में पड़ा है और सरकारी खरीद जो लेट पर लेट करते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और जिस तरह से सरकारें एक धोखेबाज सरकार ये, और साथ में दुष्यंत चौटाला जो कहता है कि हम किसान की जो धान है उसको MSP पर बिकवाएंगे, और आज 1200 रुपये में 1300 रुपये में भी उसको गेरने की जगह नहीं कहीं मिल रही है, और खेतों में जो किसानों का धान सड़ रहा है उसका आज ये सरकार जिम्मेवार है, और जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसका पूरा का पूरा जो दायित्व है सरकार ने किसान के साथ जो धोखा किया है उसका कारण है कि आज सड़कों पर किसानों को उतरना पड़ रहा है। आड़ती मजदूर को तो साथ में होना पड़ेगा, क्योंकि सब तरह का जो नाश करण लग रही है सरकार, जो किसानों का, आड़तियों का, मजदूरों का, उस तो सब वर्ग तंग होगा। कौन आज जो किसान अगर जो पैसे वाला नहीं होगा, उसकी फसल रेट पर नहीं बिकेगी तो बाजारों में, शहरों में, आड़तियों पर, मजदूरों पर कहाँ से खाने कमाने के लिए कुछ आएगा। आज ये किसान जो विरोधी सरकार, ये आड़ती विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी जो सरकार है, ये इसके खिलाफ तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। कब तक चुप बैठे रहेंगे? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक बैठेंगे। और आज जैसे किसान यूनियन के द्वारा 4 बजे तक का टाइम है, उस तक बैठेंगे और रोज बैठेंगे जब तक नहीं मांगेंगे। ये तो एक ऐसा है कि चेतावनी है सरकार को, नहीं तो आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। कोली और हरियाणा प्रदेश महासचिव इनालो पार्टी, ठीक है जी, हम जो धरना प्रदर्शन अपनी पार्टी के लिए भी हमने पूरा का पूरा किसानों का समर्थन कर रखा है, और इसी विषय में 28 तारीख को सुबह 10 बजे करनाल अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हम पूरी नालो और पूरे किसान प्रदर्शन करेंगे और हमारा किसानों का समाधान हो जाए। सबसे बढ़िया यही बात है जी, क्योंकि किसान सबसे नीचे है इस टाइम, कर्ज में दबे हुआ है, उससे भी ज़्यादा अगर ये स्थिति रहेगी तो हम दाने कहाँ बेचेंगे, क्योंकि अगर हम किसान हैं तो नाज बेचेंगे, हमारे पास पैसा होगा नहीं, मजदूर भी भूखा, हम भी भूखे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव डबकोली कलां, एक किसान हूँ और किसान के नाते बात करेंगे। इस सरकार ने हमारे से कुछ नहीं दिया आज तक, सिवाय लूट के दूसरा कोई काम नहीं है। जीरी का रेट दे देते हैं, गेहूं का रेट देते हैं, बिकने में इतनी आनाकानी करते हैं। जीरी का रेट 1200-1300 में 900, एकदम 950 बिकी, PR 126। वो जिम्मेदार क्या निकाल लेगा उसमें, मतलब उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता जी उसमें 950 रुपये में। और ये कहते हैं हमने जिम्मेदारों को मुनाफा दे दिया 50% का, या इनकम कर दी दुगुनी। वो इनकम हमने नहीं पता इनका, भाई कहाँ से दुगुनी है, किस तरीके से दुगुनी कह रहे हैं, कौन सा तरीका इन्हें अपनाया है जिसमें दुगुनी कह रहे हैं। हमारे से इस सरकार ने तबाही मचा दिया देश के अंदर। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है जी, जो समर्थन मूल्य है उस पर हमारी जीरी बिका, टाइम पर जीरी बिका, टाइम पर पेमेंट होगा, आड़तियों का सिस्टम सही रहा है, उसी वजह से हम यहाँ सड़क पर बैठे हैं। सड़क से सुवाया हमें 7 साल लगे, सड़क तक सुवाया और कोई काम नहीं रह रहा जिम्मेदारों का, सड़क पर खड़े हैं। तीनों अध्यादेश लाए थे वो किसानों के खिलाफ हैं, तीनों अध्यादेश किसानों के खिलाफ हैं जी।
नहीं, कोई स्पष्ट नहीं कर रही जी। उसके अंदर खाते में अभी के लागू करेंगे उसका कोई पता नहीं आया। स्पष्ट करके तो बताओ भाई के लागू करे, हमने नाम दे दिया, नाम देने तक थोड़ी हो जाएगा काम। उसमें कल कुछ और कर देंगे उसमें। ना जी, झूठ बोल रहा, बिल्कुल राला झूठ, सफेद झूठ है उस आदमी का। वो तो पता नहीं कौन कौन से दावे करा था कल, एक भी दावा, एक भी वादा उसने पूरा करे हो किसी का। बुढ़ापा पेंशन कहा था उसने, वो कर दी उसने पूरी। ऐसे सारे झूठ है इनके, कोई कुछ नहीं है। कुलदीप सिंह, गांव डब कॉलेज से। सबसे पहले तो मैं पत्रकारों साथियों के माध्यम से सरकार तक एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे ही हम यहाँ बैठे, मारे हैं भाई जब पुलिस वाले आए, कहना मारते एक सवाल कराया, भाई कौन से गुटते हो? एक तो यू भरम सरकार का खत्म होना चाहिए, कोई किसी गुटते नहीं है, ना कोई राजनीतिक पार्टी हम ना स्पॉन्सर कर रही। भाई हाँ मारते खाने पीने दे रही, और भाई तुम बैठो लोगों ने तंग करो। मारी तो खेत में फसल तैयार खड़ी, ये ना 25 तारीख ना कहा था, 25 तो एक पर गए, एक पर छः ना गए, खेत में फसल लग रही सड़न, यहाँ कोई है नहीं। दूसरी बात, जब ये इतनी बात MSP के ऊपर रुक कर कटदानी कटदानी, एक लाइन जोड़ने में पूरा देश ही तो यही बात कर रहा। भाई तुम उसे अध्यादेश में एक लाइन जोड़ दो, MSP की जिम्मेवार सरकार, उसके ऊपर कोई प्राइवेट आदमी लेना चाहो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कांग्रेस थी जब तो सुषमा स्वराज आड़ती का और जिमीदार का चोली दामन का साथ बतावा थी, अक्तम तो ATM आज ले आई, ये तो ATM आड़ती तो किसानों के बहुत पुराने हैं। आज हुआ वीडियो, यू मोदी क्यों नहीं देख रहे हो, ना खट्टर क्यों नहीं देख रहा? तो भाई मारी तो आपके माध्यम से एक ही है ना, हमने कोई सड़क रोकने का चो है, हमारे खेतों में काम बहुत है। भाई अब हमारी बात वहाँ पहुँचाओ, MSP पर सरकार दाना दाना खरीदा, उसके ऊपर कोई खरीदनी चाहो प्राइवेट आदमी, बड़े सौंकते खरीदो ताकि जिमीदार का भला हुआ। इसके अलावा कोई, धन्यवाद जी। मेरा नाम बलबीर सिंह, गांव डब कोली से, मंडान खाप जाट महासभा का प्रधान हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सरकार ने ये काले तीन जो नियम जो कानून लागू करे हैं, ये बहुत ही खतरनाक और घटिया हैं, और जमींदारों के साथ एक भद्दा मजाक। एक तरफ तो ये सरकार ये करी थी कि हम जमींदारों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इस तरह से किस प्रकार करेंगे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि इनका ये कहना कि बाहर ज़्यादा रेट में व्यापारी कोई लेगा, आज तक तो यहाँ कोई व्यापारी बाहर कहीं भी किसी भी गांव में किसी भी बाजार में किसी सड़क पे कहीं कोई व्यापारी नज़र आया नहीं। अब ये अगर ये सुनने में जैसा रहेगा अडानी और अंबानी आएंगे, तो फिर तो हमें ये दोबारा से गुलाम करना चाहती है सरकार, कि किसान दोबारा से गुलाम हो जाए और इस तरह से आमदनी नहीं बढ़ेगी बल्कि आमदनी ख़त्म हो जाएगी। किसान यूनियन ने पहले या जो किसानों ने आढ़तियों ने पहले से एक बात और जोर लगा के कही थी कि सरकार ये कहती है कि भाई MSP पे बिकेगा। हमने ये कहा था कि MSP आप इस जो सभी जो आपने कानून बनाया है उसमें एक लाइन लिख दो कि आपका MSP कानून में इस विधेयक के साथ पारित हो गया, पास हो गया, तो किसी को क्या ऐतराज है। लेकिन इस जो सरकार है इसके मन में खोट है किसानों के प्रति, किसानों को बर्बाद करना चाहती है, और ये चाहते हैं कि दोबारा से किसान खड़ा ना हो सके, पूंजीपतियों के हाथ में देश जला जाए, और ये देश बिल्कुल गर्क करना चाहते हैं, उन्होंने पूरे देश को बेच लिया, और यही इनकी नीयत और यही मनसा इनकी लोगों की है। तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के माध्यम से अगर आवाज़ कहीं हमारी जा पहुँच सके, तो अगर उन लोगों को भगवान बुद्धि दे तो इन किसानों का शोषण करना बंद करें, और जिस प्रकार मंडियां पहले से चल रही थी उसी तरह सुचारू रूप से मंडियां चलें, उसी प्रकार से ये भाईचारा किसान का, आड़ती का, मज़दूर का, इन सब का भाईचारा बना रहे, तो उसी में सबकी भलाई है, उसी में देश की भलाई है, उसी में देश तरक्की करेगा। तो इन लोगों को सद्बुद्धि देने का काम करें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.